तो जिस वक्त भगत सिंह की माँ जेल में गई मिलने के लिए, तो जेल का संतरी ये कहता है कि माता जी आप कौन हो? तो भगत सिंह की माँ ने कहा कि भाई मैं भगत सिंह की माँ। तो इतनी बात सुनकर वो जेल का संतरी भगत सिंह की माँ से क्या कहता है कि माँ तने तो शेर जन रखा है, अरे एक आधा ऐसा और जन दिए, अरे एक बात के द्वारा क्या क्या कहता है क्या बताया बोला। बोलारी तन का कर दे गेरी सूर मां घर की तज दे मेरी सूर मां भगत संग शेरी सूर भूमि का पारी।
के बाद कहता कि माँ आपने तो एक बड़ा शेर जान रखा, चलो मैं आपसे मिलाता हूँ। और जब भगत सिंह की माँ भगत सिंह के पास जेल में पहुंची तो जाते हैं, भगत सिंह पैर चुचकारता है तो भगत सिंह की माँ कहती है, बेटे क्या बात है, किस लिए चिट्ठी गिरी? तो इतनी बात सुनकर वो भगत सिंह क्या कहता है अपनी माँ से कि मैंने किस लिए आपको बुलाया है, किस कारण तुमने को याद किया, क्या बता रहा? बोलरी सत्कारण मन कौन बासारा और याद कर सरी इस कारण कौन बासारा मन याद कर सरी इस कारण कौन बासारा मन याद कर सरी
इतनी बात सुनके भगत सिंह की मां सर पुचकारती है भगत सिंह का कि बेटा तने मेरा नाम अमर कर दिया और घबराइए मन्या तू और पुचकार के और एक बात के द्वारा क्या कहती है अरे सो सो पड़े मुसीबत बेटा मर्द जवान में भगत संग कदे जी घबरा जा बंद मकान में अरे सो सो पड़े मुसीबत बेटा मर्द जवान में भगत संग कदे घबरा जा बंद मकान में ओ सो सो पड़े मैं फिर चढ़ूंगी अगले जन्म में फिर
किसा पूत जन तेरे तेरे किसा पूत जन दे इसी कौन जहान सुनकर अपनी मां की नकन लग गया। मां मन तेरा दूध पी रहा क्या है? तेरे को पता है मैं किसकी संतान हूं? मरने से कोई भय नहीं मेरे को। और अपनी मां को समझाता है और क्या क्या कहता है कि मरना तो एक नहीं एक दिन से, और मैं तो ऐसा काम करके मरूंगा कि मेरा नाम सदा सदा के लिए शहीदों में लिखा जाएगा, ना तो कीड़े मकोड़े सो मरे हैं। और अपनी मां को क्या समझाता है, क्या कहता है, क्या बता? मेरी घरा भी मरना रे बार भी मरना, मेरी मरने का के डर माता, अरे काल कटान कदे ना होती सभी जगह चाल दो सले ले रहा हो चाहे नंगा चाहे ओ गाड़ा हो, असर दवाई करती नामा नहीं काल के जहरा हो, राजा रैयत सब में खावे चाहे ठंडा चाहे
سور کے گونے گا ماتا تری کوخ تائی سی سنتان ہوئی سب کہا کریں گے تو سونیا کریے رکرا دے سمے مان گئی بھگت سنگ نے دیس کی خاطر کرکایا قربان دئی اپنی خاطر سبھی مرے من دیس کی خاطر جان دئی اپنی خاطر ہستا ہستا مریا بھگت سنگھ سارے جگ میں ٹیر دیے تالے تھر جائیے لاش میری اور کفن لاش پہ گیر دیے روئیے مت نہ میری ارتھی پہ اشک پھول بکھیر دیے یا ہی سے اور داس میری من جنم ایک پیر پھیر دیے یا ہی سے ایسے بات سن کے بھگت سنگھ کی ماں پھولی نہیں سماتی ہے اور کہنے لگی کہ بیٹا جب تو پھانسی بچڑ ہے تو آستہ آستہ چڑھیے آنکھوں میں تیرا پانی نہیں آ جا
कदे मेरा दूध लजा दे। अरे एक बात के द्वारा अपने बेटे को पुचकारती है, समझाती है, और क्या क्या कहती है क्या बताया भला। Thank you.
دکھے تیرے کمانے دیکھ دیکھ کے سووت بھی جایا گیسے سب کے جچگی جان بھگت سنگ دیش کی خاطر کیا گیسے وہ چھتری کا جام نہیں جو رن تے ڈر کے بھاگ گیسے چھتر اپن کی بور رہنا کل کے بٹا لاتے سے لڑنا ان کے سنگ ہوگا لڑے بیڑے بن مارے ہند میں جیون کا کے ڈنگ ہوگا ریتن دکھ دیا کرے سے جن سارا جنگ ہوگا مانگے رام جب مانیں گے جب خون خراب جنگ ہوگا مانگے رام جب کہ ماں چلی جاتی ہے اور جب پھانسی توڑنے کی تاریخ آئی تو بھگت سنگھ کو سپاہی پھانسی کے تختے کی طرف لے چلتے ہیں تو بھگت سنگھ چلتا چلتا انگریزوں کے بارے میں ایک بات کے دوارا کیا کہتا ہے اور جنتا کو آواز دیتا ہے جو کھڑے دیکھ رہے تھے کیا بتا بھلا دیکھے میں مر گیا مہارے ہند کے سننے ڈیرے ہو جائیں گے میرے کیسے ویر بھگت سنگ اور بتیرے ہو جائیں گے میں مر گیا تھا مہارے ہند کے سننے جڑکے مر جاو جے آگ گیر دی پائتی میں تھارے راج کا دیوا گل ہو تیل رہا نہ پائتی میں
पाप की कोड़ी भरे रे सो थार धर्म रहा नगाती मैं फांसी तोड़ा गिट्टी गोटो या गोली मार साथी मैं मरे वो ये भी शेतंगे मरे वो ये भी शेतंगे बिच्छु सरप गोरे रे वो काम रहने का ना थारा अड़े इन में नहीं गुजारा ओ के ले रे ओरे के थारे दोरे पुल समक महमारा ओ जितनी पलटन है हिंदुस्तानी गेल्या फौजल नंगारा ओ घोड़ा पर चढ़ के कर लड़ाई थारे कितनी कुबद किसे राजा तो नहीं करी जासे थारे दर्द की मारी सारी जनता जली मरी जासे गौ हत्या ना बंद करी पाप की नर भरी जासे मेरे मरण ते कांग्रेस के राज की निमटारी जासे भगत संग मारा फांसी ते राम हां मांगे राम के टूटेगा सदा किसे का न मेल रहा भगत सिंह की छाती पे तान कुफर के सेल रहा आप नतीजा लकड़ेगा फिर कौन पास कौन फैल रहा कृष्ण जी की दया तो मारा थारा ते यो खेल रहा सजा दो बंसी खेलते थे दो बंसी खेलते थे
हंसते हंसते भगत सिंह फांसी पर चढ़ जाता है, फांसी तोड़ दिया जाता है और फांसी तोड़ने के बाद आजादी की जंग दूनी भड़क जाती है। आखिर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को आजाद करना पड़ा और इसलिए आज हम आज भी अपने शहीदों को नतमस्तक करते हैं कि जिन्होंने इतना दुख पाके हमें आजादी दिलाई और आज हम आजादी की सांस ले सकते हैं। तो किस तरह से किन किन वीरों ने कुर्बानी दी और किस तरह से आजाद करवा देश को, आखिर में क्या बताया बेटा? देखे भारत देश हमारे की अजय जग में ऊंची शान है, नतमस्तक है उन वीरों को जिनका ये बलिदान। शेखर तलक गोखले की कर लो याद कहानी ने, महाराणा प्रताप शिवाजी झांसी आली रानी ने, गुरु गोविंद के बच्चों की तुमरो याद करो कुर्बानी ने, देश के ऊपर अर्पण करके बाल उम्र वो सयाई ने, अब हिमालय नतमस्तक है उन वीरों को।
आजादी के सिपाहियों की ये दास्तान सुन रहे हैं, ये आप भाइयों तक चीता कैसेट कंपनी के सौजन्य से पहुंचाई जा रही है। जी जिनका आनंद ले रहे हो, ये रागनियां चीता कैसेट कंपनी की तरफ से पेश की जा रही हैं। और आखिर में ये आज़ादी मिलने के बाद भारत ने कैसे कैसे कार्य किए, भारत में हमारे हिंदुस्तान में कैसे कैसे कार्य हुए, उसके बारे में किस तरह से दर्शाया, क्या कहा, आखिर में क्या बताया। आज सब तेरिया खुशहाल देश, कमी नहीं किस बात की, आजादी के बाद हिंद ने तरक्की दिन और रायत की, बीस सूत्री कार्य कर्म की, वो भारत ने सर्वांगत की, नव निर्माणी होया भारत का, नई नई करामात की, नव निर्माणी होया भारत का, नई नई करामात की। आज देश की खतर रे जगन्नाथ की, देश की खतर रे जगन्नाथ की, अजय रतम हजर जान आपने सुनी, ये किस्सा सुना शहीद भगत सिंह के, तीन भाग आपने सुनने को मिलेंगे चीता कैसेट के सौजन्य से। और ये किस्सा यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए बोलो गौ माता की।